गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। हेलो, आवाज आ रही है? मैम अच्छा, कट कट के आ रही है? सभी को कट के आ रही है? यस मैम। सबको गुड आवाज कट इवनिंग के आ रही है मैम। क्या? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैम आप कैसे हो? मैम एकदम बढ़िया, आप लोग कैसे हो सब? मैम हम हम ठीक अच्छे हैं, हैं। मैम ठीक ठीक है। मैम है। मैम अच्छे हैं। ठीक ठीक है। अच्छे क्यों नहीं हो? मैम बहुत अच्छे अच्छे हैं, हैं। बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं, हैं। बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे, हैं। बहुत अच्छे का क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है। हम हॉलीडे स्कूल की। अच्छा, हॉलीडे स्कूल, बढ़िया। ओके, B1 बैच का कौन कौन आ गया बताना जल्दी से, हैंड रेस करो सारे। मैम जो पहले से इस क्लास में है मैम, मतलब वो कौन से बैच के हैं? पहले से इस क्लास के क्या मतलब? दूसरे बैच के दो बैचेस हैं अभी ना आज के लिए, क्योंकि कल मैम ले नहीं पाए थे, कुछ इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी इशू था, इस वजह से इंटरनेट डाउन था कल, तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था कल ना। गलती क्लास है ना, हुई ना भाई होगी। यस मैम। तो उसमें मैम बस 9, 10, 11, 12 बच्चे हैं, बाकी कहाँ गए, भूल गए? हमारे मैथ्स की क्लास थी अभी, कितने बच्चे आए उसमें? मैम बहुत कम। 17 17, 17। मैम, अच्छा 15 ठीक मैम। है, इस बैच के कितने हैं? फटाफट से हाथ उठाओ जल्दी। B2 बैच, B2 बैच, B2 बैच, B2 बैच। 12, 13, 14, 14 बच्चे बस। ठीक है, 14, 15, 16। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। हाँ नहीं, चलो। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, पहले तो मैम की आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है, पहले आप ये बताओ यो मैम। आज यस मैम। के थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है? पूछा है नहीं मैंने, पहले शुरू हो गया। टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, है ना? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मुझे फटाफट से सारे बताओ कि लास्ट क्लास में करवाया क्या था मैंने? टिश्यूज करवाए थे, है ना? मैम बिल्कुल, डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का मैंने डिफरेंस बताया था आपको, है ना? यस और मैम। हमने यो यो प्लांट मैम। टिश्यू तार में पढ़ा था, राइट? और हमने प्लांट टिश्यू को मैम क्लासिफिकेशंस ऑफ टिश्यू। यस, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू पढ़ा, और मेरिस्मेटिक टिश्यू, प्लांट मेरिस्टमैटिक टिश्यू, बिल्कुल, प्लांट टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू, स्पॉटिंग टिश्यू, स्पॉटिंग टिश्यू, कंडक्टिंग प्रोटेक्टिव टिश्यू, टिश्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमानेंट ठीक टिश्यू। है, जोरदार तालियां अपने लिए बजा लो। नाइस, गुड, ओके, ठीक है। तो बच्चों, अब आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या रहेगा? वो हम पढ़ने वाले हैं, लाइक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि प्लांट प्लांट टिश्यू क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, ठीक है? तो प्लांट टिश्यू में यस से किसी को कोई मैम। डाउट है? नो मैम। नो नो मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, बहुत बढ़िया, चलो फिर आ जाओ। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेकेंड, ठीक है, सभी को दिख रहा है ना? सो हमारा चैप्टर है, चैप्टर
और आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू। आज की डेट बताओ बच्चों। मैम 19 जुलाई 2023 ठीक है। आज तुम्हारा दूसरा लेक्चर है इसका। यस मैम। ठीक है ओके। चलो बच्चों चलो नेक्स्ट। अब हम जाएंगे नेक्स्ट में। आज का ऑब्जेक्टिव है क्लास का कि आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू। तो अगर अगर प्लांट में भी टिश्यूज होते हैं तो एनिमल में भी टिश्यू होगा। चाहे आप कोई भी एनिमल ले लो, चाहे आप डॉग ले लो, चाहे आप कैट ले लो, है ना, हर एक एनिमल के पास टिश्यू होता है। तो हम देखेंगे कि एनिमल के पास कौन कौन से टिश्यू है, वो कौन कौन से टिश्यू में हेल्प करता है। ठीक है एक सेकंड। ओके सो मेरिस्टमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, एक बार मुझे इनका तुम्हारे को डिफरेंस बताना था, ठीक है, क्योंकि हम ये कर नहीं पाए थे लास्ट क्लास में। सिंपल टिश्यू होता है, मेरिस्टमैटिक का टिश्यू एकदम सिंपल होता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। और जो परमानेंट टिश्यू होता है वो सिंपल भी होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर ये स्पेशलाइज टिश्यू होगा। जैसे कि कुछ सेल्स होंगे जो, कुछ टिश्यू होंगे जो एक जगह पे प्रेजेंट है तो दूसरे जगह पे प्रेजेंट नहीं है, यानी वो उसके स्पेशलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे देखो हिमाचल में किन्नौर का कुछ अलग होता है और शिमला का कुछ और फेमस होता है ना। हर जगह का अपना अपना फेमस होता है ना। यस मैम। एग्जांपल जैसे अगर आपको पता है चंडीगढ़ में वो है रॉक गार्डन, है ना। इंडिया में कहीं भी वैसा रॉक गार्डन आपको कहीं नहीं मिलेगा। कौन कौन गया रॉक गार्डन? अरे वाह, काफी लोग गए हैं, काफी अपने बचपन में गए होंगे, काफी लोग अब गए होंगे। तो जब भी गए हो आप, रॉक गार्डन इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। रॉक गार्डन जैसा वो उसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। रोज का अपना चंडीगढ़ का अपनी स्पेशलिटी है। शिमला की अगर हम बात करें तो आई गेस वहाँ पे एक हनुमान जी का टेम्पल है, राइट, बड़ा सा। हाँ वहाँ पे एक चर्च भी है। अगर मैं बात करूँ मनाली की तो वहाँ पे बिजली महादेव है ना। यस मैम। है ना। तो मतलब क्या क्या कहने का मतलब है मैम का कि हर जगह की अपनी खुद की स्पेशलिटी होती है। तो वैसे ही वो जैसे अपना परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू में भी क्या होगा, अपनी खुद की स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है और वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब मेरिस्टमैटिक टिश्यू में, ये फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया, पहले ये बताओ। यस मैम। यस मैम। ओके अब मैंने तुम्हें यो यो सिखा रखा है बच्चों, दोनों यो मैम। यो यो मैम। यो यो मैम। ठीक है। अब मेरिस्टमैटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं वो बड़े छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये? छोटे छोटे, बहुत ही छोटे, स्फेरिकल। हाँ स्फेरिकल यानी कि गोल मटोल, ठीक है। तो जो गोल मटोल से होते हैं या फिर आप देख सकते हो इसको पॉलीगन शेप में, ऐसा होता है कुछ पॉलीगन शेप, पॉलीगोनल शेप, या एंड अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि कभी कभार ऐसे टिश्यू होते हैं कि हमें समझ में ही नहीं कि वो टिश्यू दिखता कैसे है, ठीक है। समझ में आगे सबको मेरिस्टमैटिक कैसा दिखाई देता है? यस यो यो मैम। यस मैम। परमानेंट यो यो मैम। यो यो मैम। ओके यस यो यो मैम। अच्छा आप तो कंफ्यूज हो रहे हो, यस बोले या यो यो बोले, है ना। चलो अब क्या है परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, जो जो सेल्स होते हैं इनमें लार्ज दिखाई देता है और आप इनके हर एक शेप को अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। पर आपको ना पता ही नहीं लगता, जैसे फॉर एग्जांपल सोचो कि अगर मैं क्या, अगर मैं नींबू पानी ही बना दूं, ठीक है, और मैं एक आजकल मार्केट में आ रहे हैं नींबू और एक आ रहे हैं नींबू पानी, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं लेकिन है दोनों अलग अलग ना। आपको ना दिक्कत आ रही है कि कौन सा नींबू है, कौन सा नींबू पानी है, समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही जैसा दिखाई दे। बट परमानेंट इश्यू में क्या होगा, परमानेंट में क्या होगा, यानी अगर मैं फैंटा ले आऊँ तो आपको पता है ऑरेंज है, आपको मैं वो ले आऊँ क्या बोलते हैं कोक ले आऊँ तो वो लगता है आपको कि हाँ यार ये तो क्या बोलते हैं
सेम है, समझ में मतलब अपना अगर मैं कोक ले आऊं तो आपको समझ में आ जा रही है, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, अलग अलग है, कलर से पता लग जा रहा है ना। यस मैम, यो मैम, यो मैम, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। अब इनके अंदर इनके जो स्पेस होते हैं वो ऐसे एकदम चिपके चिपके होते हैं, ब्रिक्स की तरह, जो घर बनाते हैं तो हमारे ब्रिक्स ऐसे चिपके होते हैं ना सीमेंट से। यस मैम, यो मैम, यो यो मैम, यो मैम, तो बट इनके अंदर क्या है, स्पेसेस नहीं होते। देखो यहाँ पे मैम ने स्पेस बनाया नहीं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटर यानी बीच में, सेल यानी सेल, तो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो नहीं होता। लेकिन परमानेंट टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, समझ में आ गया? यो मैम, यहाँ तो कोई डाउट है? ओके, अब क्या होगा कि सेल ग्रो करेगा, सेल ग्रो करता है और डिवाइड करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, लेकिन परमानेंट टिश्यू में सेल ग्रो नहीं करता। तो तुम्हें याद है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने पढ़ाया था, ऐसा सा होता है, टिप से ग्रो करता है वो, है ना, इलोंगेट होता चला जाता है। ऊपर वाली कौन सी? वेरी गुड। और नीचे कौन सी थी? और बीच में कौन सी थी? बहुत बढ़िया, क्या बात है, तुम्हें तो याद हो गया यार, तुमने तो मेरा नाम दिल नहीं देता। अच्छा, फिर दिमाग जीत लिया, चलो ठीक है। तो इंटर जो सेल ग्रो करता है वो ग्रो करता है और डिवाइड करता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में डिवाइड नहीं होता, ठीक है, कहा नहीं होगा, परमानेंट टिश्यू में डिवाइड नहीं होगा। अब जब सेल अपना जो एक्टिविटीज होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, जो होती है वो होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि मेटाबॉलिक का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि आपने जो भी खाया पिया होता है, कईयों को पच जाता है, कईयों को पचता नहीं है, और कईयों को पचता है तो लग जाता है ना। यो यो मैम, यो यो मैम, यो यो मैम, यो यो मैम, तो कहीं कहते हैं यो यो मैम, लाइक क्या बोलते हैं, मैं अगर पानी भी पीती हूँ तो मुझे वो भी लग जाता है, मैं कुछ भी खा लूं तो मुझे लग जाता है। तो वो क्यों लगता है? क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर आपको स्लो ही दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? परमानेंट टिश्यू के अंदर आपको क्या दिखाई देगा बच्चे? स्लो। लेकिन लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर बहुत अच्छे से दिखाई देता है कि बढ़िया से एकदम एक्टिवली चलता है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है कि जो भी प्लांट होता है, कोई भी प्लांट ले लो, तुलसी ले लो तुम, या फिर अपना क्या लोगे, एलोवेरा ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी प्लांट ले लो, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उसकी ग्रोथ कौन करवाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। लेकिन आपके उस पूरे प्लांट को प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट देना, कंडक्ट करना, कंडक्ट यानी कंडक्ट कौन था, कौन था कंडक्ट, बताओ जल्दी मैम। जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले किसने बताया? ऋतिका। जोरदार ताली ऋतिका के लिए, जल्दी फटाफट से, गुड गुड ऋतिका, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो तालियां नहीं दिख रही है मुझे, जल्दी जल्दी बजाओ, कम दिख रही है, ठीक है। तो प्रोवाइड, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट देता है, कंडक्शन करता है, और फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज करता है। कौन करता है? परमानेंट टिश्यू। समझ में आ गया सभी को? यो यो मैम, यो मैम। तो ये थे हमारे मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और अपना परमानेंट टिश्यू। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो मैम, नो मैम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम जाएंगे, अब आ जाते हैं एनिमल टिश्यू में। ध्यान से सुनना,
मैम आपको फिर से बोल रहे हैं कि ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब तुम अपने नोट्स बनाओगे ना तो इसको अपने नोट्स में बना लेना डिटो सेम, और वहां पे लिख देना वीवी 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 वीवी, जितना भी वी लगाओगे मतलब वी यानी वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए सबसे ज्यादा इजी वे है सारे एनिमल टिश्यू को एक ही बारी में पढ़ के खत्म करने का। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मतलब सारे टिश्यूज में आपको बताती हूँ। पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, फिर है आपका मस्कुलर टिश्यू जो कि आपके टिश्यूज मसल्स में होंगे, और फिर कनेक्टिव टिश्यू जो आपके एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है, और फोर्थ है आपका नर्वस यानी न्यूरल न्यूरल टिश्यू। हम जो नर्व्स में होता है, नर्व्स में होता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे, हाँ जी हाँ बिल्कुल, नर्वस वाला नर्व्स में होता है। नेक्स्ट आता है, अब हम जो पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे तो मतलब मैम आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे, इंट्रोडक्शन दे देंगे सभी का, जिससे आपको थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, किसी ने कुछ पूछना है? चलो ठीक है, तो अब क्या हुआ, हाँ हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो बच्चे जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें क्या होगा, एपिथेलियल में सबसे ज्यादा सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, फर्स्ट आपको दिखाई देगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। ठीक है, फिर आपका आएगा स्ट्रेटिफाइड, जस्ट नाम जानना है अभी, एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, बट पहले नाम जानो क्योंकि इसके नाम थोड़े से आपको टफ लग रहे होंगे कि मैम ये तो बड़े बड़े नाम है हम कैसे याद करेंगे, इजी है बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये समझो, लाइक बचपन में आप ये सीखते हो ना, ईयर्स यहाँ होते हैं, ईयर्स का काम होता है सुनना, है ना, आईज होते देखने के लिए, लेकिन आंखों के अंदर क्या होता है, रेटिना पढ़ते हो, कॉर्निया पढ़ते हो, ये कब पढ़ते हो आप, 8th 9th में पढ़ते हो ना आके, वही कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आप थोड़ा बहुत ध्यान दो यहाँ पे कि मैम बस समझा कह रहे हैं। तो पहले हम मैम आपको इंट्रोडक्शन देने वाले हैं सारे टिश्यूज का थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका एपिथेलियल टिश्यू जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, एक है फिर आपका स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, थर्ड है आपका कॉल्यूमनर, और जिसमें जैसे कॉलम जैसे होगा, फिर सीरिएटेड कॉल्यूमनर, फिर आता है क्यूबॉइडल, एक सेकेंड बच्चा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड लास्ट इज योर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? अब आ जाएगा आपका मस्कुलर टिश्यू, यानी वो आपके मसल्स के बारे में बात कर रहा है, और तो हमने बहुत पहले का सुन रखा है, लेकिन क्या आपको पता था कि आपके मसल्स में भी टिश्यू है? ठीक है, तो हमारे मसल्स में भी टिश्यू होता है, क्यों मसल में टिश्यू क्यों होता होगा बताओ, सोचो क्यों होता होगा, क्योंकि मसल्स में सेल होते हैं, मसल्स में सेल होते हैं, सेल से तो टिश्यू बनता है, तो मसल में सेल कहां से आया, बताओ बताओ, सेल्स में ही सेल्स होते हैं, किसमें, मैम मूवमेंट के लिए, बिल्कुल, मसल क्या करते हैं आपकी मूवमेंट्स करते हैं, कुछ भी उठा लो आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 5 किलो का आटा उठाया, सेल से ही सेल होते हैं, क्या होता है, फ्री सेल, मैम टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल, हाँ टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल होता है, लेकिन क्या मसल्स मसल में सेल होता है, मसल में सेल होता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, मस्कुलर मसल्स का काम ही करते हैं बच्चे, मैं बोल रही थी कि 5 किलो अगर आपको आटा उठाना है ना,
तो वो आटा उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मसल तो चाहिए ना। तो अब तुमने दौड़ के क्या करना है, 5 किलो का आटा नहीं उठाना, ठीक है, तुमने दौड़ के जाके सबके घर में, क्या बताऊं मैं, सबके घर में वो तो हो गई, क्या बोलते हैं, चेयर होगा ना, भारी वाला चेयर नहीं, सारे मुझे प्लास्टिक वाली चेयर उठाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारे को कैसा फील हो रहा है, मतलब मसल तुम्हारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जल्दी उठा के बताओ, चलो दौड़ ही। यस मैम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। यस मैम हम कर रहे हैं। तो जब तुमने चेयर उठाया तब आपके मसल ने रिलैक्स किया या कॉन्ट्रैक्ट किया? तुम वो चेयर को रख दो, चेयर रखा तो उसने क्या किया, बच्चे रिलैक्स किया, ठीक है। हाँ, इसके वजह से आप देखोगे कि अब हमारे मसल्स में टिश्यूज के वजह से वो क्या है, वो टिश्यूज मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास मसल टिश्यूज में 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आपके स्ट्रेटेड टिश्यूज, एक होता है नॉन स्ट्रेटेड टिश्यूज, एक होता है कार्डिक टिश्यूज, ठीक है। सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो मैम, नो मैम, नो मैम। अब आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा बड़ा है बट मैम आपको समझा, तो ध्यान से सुनना। हाँ जी बच्चों, कुछ पूछना है आप लोगों को? अभी पहले ये समझो कि होते क्या क्या, मतलब आपको आइडिया लगना चाहिए ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तभी समझ में आएगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू हमारे फर्दर है 3 टाइप के, ठीक है। एक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू और एक है हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और एक है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, वो एरियोलर में होता है, एडिपोस में होता है, फिब्रस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव में, बच्चा आप हैंड रेस क्यों कर रहे हो? मैम गलती से हो गया था। ओके, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि पूछना मतलब मैं नहीं पूछना चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैसेज पे लिख देना चाहिए, ठीक है। चलो, कनेक्टिव सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, क्या हो रहा है ये, जानबूझ के कर रहे हो, फिर मैंने सारी वो ले लेनी है, क्या बोलते हैं, टूलिंग पार्ट्स होती है ना जो, वो ले लेनी है, फिर कुछ नहीं कर पाओगे ना, म्यूट कर पाओगे ना, हैंड रेस कर पाओगे। कोई डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट है, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया। कनेक्टिव टिश्यू आपको देखेगा एरियोलर टिश्यू में, एडिपोस टिश्यू में, फिब्रस टिश्यू में। थोड़ा बहुत तो तुम्हें ना वर्ड से ही पता लग जाएगा कि एरियोलर यानी एयर, ठीक है, पढ़ेंगे सबके बारे में नेक्स्ट, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। नेक्स्ट है आपका सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि उन टिश्यूज को कनेक्ट कर रहा है बट वो कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोर्टिव टिश्यू था ना प्लांट टिश्यू में, वैसे ही हमारे पास एनिमल टिश्यू में भी है। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे जैसे सबको मैम की वीडियो दिखाई दे रही है ना, यो यो मैम, यस मैम, एल्गो दिख रहा है, ये दिख रहा है, यो यो मैम, पोनी उस पर मार के देखो, तुम्हारे को दिख रही हमारी हड्डी है, वहां पे फील हो रही है तुम्हें? यस मैम, कलाइयों को टच करो यहाँ पे आपको हड्डी मिलेगी और एक यहाँ टच करोगे आपको यहाँ भी हड्डी मिलेगी, है ना। तो ये एक हड्डी, ये वाली हड्डी से कनेक्ट कर रहा है, तो इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आ गया सबको? यो यो मैम,
हेलो बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। यस अरे की लाइट है यहां पे, ठीक है, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया। नेक्स्ट आ जा रहा है, क्या तुम्हें किसी की आवाज आ रही है? यो मैम। चलो क्या कर सकते हैं, चलो थोड़ी देर तो बॉन्ग कहेंगे हम। नेक्स्ट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा? फ्लूइड की बातें कर रहे हैं, यानी कि जो हम लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में तो नहीं पढ़ा हमने, बट मैंने आपको आरबीसी बताया था ना, नहीं बताया था? ठीक है, तो हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाते हैं दो चीजें, एक होता है आपका लिम्फ और एक होता है आपका ब्लड। ठीक है, लिम्फ तो आपने नहीं देखा होगा, फोटोज में देखा, लेकिन आपने ब्लड देखी है? ब्लड पानी जैसा दिखता है ना, वो क्या हो गया? ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है। हाँ, रेड सा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यानी आप देख सकते हैं कि जो ब्लड है वो फ्लूइड फॉर्म में है और वो क्या है, कनेक्ट कर रहा है आपकी पार्ट, यानी आप हेड से देखो तो तक पूरी बॉडी आपकी ब्लड से, ऐसा नहीं होगा कि इधर को कट मारोगे तो पानी निकलेगा, इधर को कट मारोगे तो खून निकलेगा, पैरों में कट मारोगे तो WBC निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पूरे ब्लड में आपके, पूरे बॉडी में आपके ब्लड से ही भरा हुआ फ्लूइड है वो, लिम्फ भी है लेकिन लिम्फ नहीं दिखता। ठीक है, समझ में आगे सबको? बोन तुमने देखा होगा, जैसे अगर बोन आप किसी का भी देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वेजिटेरियन हो तो आपने चिकन का देखा होगा, या फिर अगर आपने कभी एक डॉग देखा हो जो वो बेचारा इतना पतला होता है, उसकी हड्डियां दिख रही होती है, हमें लंग्स दिख रहे होते, उसके फेफड़े दिख रहे होते हैं नीचे की तरफ, है ना, ऐसे दिख रहे होते, ऐसे होते रिब्स दिखाई देते हैं, वो हमारी क्या है, हमारी डॉग्स की, डॉगियों की रिब्स होती है, बोन होती है, रिब्स किसका बना होता है, बोन का होता है, हड्डियां ही होती है ना, तो वो क्या हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। सबको क्लियर हो गया कनेक्टिव टिश्यू? ठीक है, किसी ने कुछ पूछना यहाँ तक तो फटाफट से बताओ। नो मैम। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे नर्वस, नर्वस टिश्यू। नर्वस यानी न्यूरल एरिया में प्रेजेंट है, यानी नर्व में प्रेजेंट है, उन टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ये ज्यादा, इसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी में आपके नर्व्स है, हर जगह आपके नर्व्स है। ठीक है, वो सारी नर्व आपके ब्रेन से कनेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप सोचो अगर मैं एक बाउल लूँ, उसमें ठंडा पानी रख दो, और एक बाउल लूँ जिसमें गर्म पानी रख दो, आपको पानी तो एक ही जैसे दिख रहा है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपका उसमें से कौन सा ठंडा पानी और कौन सा गर्म पानी? मैम जब हम टच करेंगे, मैम जो गर्म पानी होगा मैम उससे मैसेज करेगी। हाँ बिल्कुल, छुए, आप छुओगे उसको छूने में फटाफट, यस टच करोगे, छुओगे उसको फटाफट से आपके ब्रेन में जाके वो स्टक करेगा, मतलब उसको मैसेज पहुंचाएगा, और फिर वो रिवर्ट करके आपको क्या करेगा, उसका रिएक्शन देगा, है ना। जैसे गर्म पानी को आप हाथ लगाते हो तो क्या रिएक्शन होता है आपका? मैम गरम लगता है, ऐसा बोलते हो, गरम हो या गरम, ऐसा नहीं होता है, गरम है, ऐसा होता है ना, ये वो भी गरम है। यस मैम। यस मैम। हियर मैम। ठीक है, मैम। हाँ जी, तो ये अलग अलग टिश्यूज हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? तो पहले ये समझ लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू दिखता है कैसे। ये देखो, ऐसे क्यूब जैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा ही, एक सेकंड, ओके, अच्छा नहीं बनाई देख रहे हो ना, वीडियो देखो आप लोग तब तक समझो। ये देखो कैसे दिखा रहा है आपको, जूम करके दिखा रहा है। मैम अभी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ध्यान से देखो। ये सपोज मान लो मैं इसको खुल ही रहा है, क्या हो गया बेटा? मैं ऊपर की तरफ ये खुल रही है, इसकी एक लेयर। हाँ, इसकी एक एक लेयर खुल रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि ये आपकी हाथ का, आपके हाथों में बाल आते हैं ना? यस मैम। मेरे तो नहीं बाल आते हाथों को, ठीक है, सबके आते। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखोगे, आपकी हेयर है,
तो इस लेयर को हम हटा के देखेंगे, फिर इसकी एक और लेयर को हटा के देखेंगे, तो इसके नीचे टिश्यूज प्रेजेंट है जहां से आप धीरे धीरे आपके हेयर की ग्रोथ, ठीक है। सेम वे अगर आप लड़कों को देखो, गर्मियों के टाइम में लड़के लोग क्या करते हैं, अपना बाल पूरा ऐसे गंजा कर देते हैं क्योंकि कईयों को फोड़ा हो जाता है ना गर्मी की वजह से, कईयों को और क्या होता बताओ, गर्मी चढ़ जाती है, कईयों को मन ही नहीं करता, पसीना बहुत आता है, तो खुजली बहुत होती है, बहुत कुछ होता है ना। हमारे को तो बच्चों से देख, अगर आपके घर में भाई होगा, आपका कजिन होगा, अगर आपके साथ रहते हैं तो आप देखोगे की उनके जी क्या देखा है, गमोरिया, सर के ऊपर गमोरिया होती है, यहाँ पे सर में गमोरिया होती है, वो छोटे छोटे दानों के कौन तुम्हारी मम्मी हंस रही है क्या, बोलो यार इतने सारे बच्चे बैठे हैं। मैम इचिंग होती है मैम। हाँ इचिंग, मैम इचिंग इन्फेक्शन। हाँ इचिंग इन्फेक्शन। एक सेकंड, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैम के कहने का क्या मतलब है, अगर जैसे आपकी एपिथेलियल टिश्यू की एक एक लेयर को ओपन करके देखेंगे तो हेयर जो है, हेयर फॉलिकल्स आपको, अच्छा म्यूट कर लो बेटा, किसी की आवाज आ रही है। हाँ बेटा, वो किसी ने म्यूट अनम्यूट कर रखा है अपने आप को। अच्छा माफ करना, सुनाने मेरा बिल पूरा म्यूट हो गया, नहीं आ रही, नहीं नहीं रखा नहीं बेटा, परमेला देवी, परमेला देवी, परमेला देवी। यस मैम। अच्छे मैं आपके घर के पूरी बातें सुनाई दे रही है मेरे को, तुम सुनाना चाहते हो क्या? तो मैम यस। हाँ चलो ठीक है बच्चे, रुक जाओ। अरे अच्छा ऑलरेडी प्रेजेंट है, कौन सा कौन, सबको आवाज आ रही है? ओके चलो मैम ये बना रही थी क्यूब जैसा, ठीक है। तो इसकी एक एक लेयर को आप निकाल के देखोगे बच्चे, तो पहली बात तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, क्यूब जैसा, कैसा दिख रहा है, क्यूब जैसा है ना, क्यूब बिल्कुल क्यूब जैसा, फ्लैट भी है ना, और कॉल्यूमनर है, कॉलम, कॉल्यूमनर यानी कॉलम्स बने हुए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडेक्स बनाते हो, इंडेक्स बनाते हो ना, ठीक है, लाइक आप लिखते हो नंबर वन, फिर टॉपिक आ गया यहाँ पे, फिर आपका सब टॉपिक आ गया, और फिर टीचर अपना साइन मारते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, आपके कॉलम्स हो गए। तो वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू के क्या रहता है, ऐसे कॉलम्स होती हैं, क्यूब में होता है और ये फ्लैट होता है। इसका मेन काम क्या होता है, आपकी जो पूरी बॉडी है ना उसको कवर करने का काम करता है। तो आपकी जो पूरी बॉडी है, जो आपको अपना स्किन दिखाई देता है, वो एक टिश्यू जिससे कवर्ड है, वो है आपका एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ गया सभी को? यो यो मैम, कोई डाउट है? अब क्या है कि इसके कुछ, इसका फंक्शन क्या रहता है, ये फंक्शन में प्रोटेक्ट करेगा आपको, ठीक है, जो भी एब्जॉर्प्शन होती है। फॉर एग्जांपल आप नहा के आते हो, है ना, और नहा के आने के बाद कुछ पानी तो चलो नीचे गिर जाता है, बट कुछ पानी सूख जाता है। ऐसा क्यों सूखा है, क्योंकि ध्यान से देखो, अच्छा अभी म्यूट, अभी अनम्यूट ही रखो, मतलब म्यूट रखो अपने आप को, है ना। अब आप अपने हाथों को ध्यान से देखो, तो जहां जहां पे आपके बाल हैं, आपको छोटे छोटे ऐसे गोल गोल अंडे से दिखाई देंगे, उसके ऊपर आपके बाल ऐसे उगे होंगे, है ना। तो जब आपके ऊपर वो पानी गिर गया, तो वो पानी ना, कुछ पानी, तो कुछ गिर जाती है, बट कुछ क्या होता है, वो सूख जाती है, ठीक है। तो इसका काम एब्जॉर्प्शन, ओके हाँ, प्रोटेक्शन। अब सोचो कि तुम्हारे को मैंने मरुस्थल में, मरुभूमि में छोड़ दिया, मरुभूमि समझ रहे हो ना, डेजर्ट, ठीक है, हिंदी में मरुभूमि बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं, मरुस्थल, तो मैंने तुम्हें
और तुम बस घूम रहे हो गर्मी में और तुम्हें केचुआ दिख गया, तुम केचुआ से भागने की कोशिश कर रहे हो और क्या है, दौड़ते दौड़ते मिट्टी पड़ेगी तुम्हारे पे, है ना। तो वो ये नहीं होगा कि मिट्टी ने मतलब मिट्टी पड़ी और तुम्हारी स्किन के अंदर चलेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जो तुम्हारे बाल होते हैं ना वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। समझ में आ गया? तो सबको प्रोटेक्शन और एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया? ये सेक्रेट क्या करेगा, जैसे आपका स्वेट हो गया, ठीक है, आप देखते हो ना गर्मियों में अगर आप काम करते हो मतलब पसीना आता है, रनिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, खाना या फिर आपने फैन ऑफ करके झाड़ू मारना शुरू कर दिया, स्वेट होने लग जाता है ना, होता है नहीं होता है? आजकल तो चलो बारिश, हाँ तो आजकल तो चलो बारिश चल रही है इससे तो पसीना नहीं आता, बट चल वैसा पसीना आता है ना। तो अगर हम खाना सेक बना रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, तो आग हमारे को धीरे सीधी बढ़ती है, तो स्वेट होता है, फिर से पसीना आता है। तो ये सेक्रेशन इसमें कौन हेल्प करेगा आपको, कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और लास्ट टिश्यू, हाँ जी एपिथेलियल टिश्यू। लास्ट में क्या बोल रहे हैं, सेंसरी प्रसेप्शन। सेंसरी प्रसेप्शन यानी कि सोचो मैम ने ठंडा पानी रखा, एक गर्म पानी रखा, अब तुम्हारे को तो पता नहीं लग रहा धुआं उड़ भी रहा है, मतलब तुम्हें नहीं दिख रहा धुआं किसमें से उठ रहा है, ठीक है, और मैम ने कहा चलो बेटा गर्म पानी उठाओ, तुम्हें कैसे पता लगा, तुमने पहले ठंडे को हाथ लगाया, तुमने गर्म को हाथ लगाया, तुम्हें पता लग गया कि कौन सा है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को फटाफट से मैसेज पहुंचेगा और फटाफट से रिएक्ट करके बोलेगा कि ये है गर्म पानी और ये है ठंडा पानी और तुम पकड़ा दोगे मुझे। समझ में आ गया? ठीक है मैम, यो मैम, क्लियर हो गया सभी को? यस मैम, यो मैम, यस मैम। चलो ठीक है, अब आ जाओ कुछ ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, यानी कि ये है क्या, ये वही जो अपने टाइप्स एपिथेलियल टिश्यू वो है, ठीक है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, पहले हमने पढ़ लिया कि यार ये सिंपल स्क्वैमस हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, और थर्ड हो गया आपका कॉलमनर, फोर्थ हो गया आपका सीलिएटेड, और लास्ट हो गया आपका क्यूबॉइडल, और सिक्स हो गया आपका ग्लैंडुलर। अब क्या होता है कि सेल्स ना लार्ज होते हैं सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज में। ओके, इस वाले में मैम अपना वीडियो ऑफ कर रहे हैं क्योंकि आपको वीडियो दिख रही है वैसे मैम की? क्लियर मैम, क्लियर एकदम, चलो ठीक है। अब क्या होता है कि जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है इसमें आपके जो सेल्स होते हैं वो होते हैं एकदम लार्ज, जैसे बड़े बड़े, ठीक है, बट पतले। वो जैसे अगर आप ना कल आप देखना प्याज काट के, कभी कभी मम्मी प्याज मोटा काट देती है, कभी कभी बहुत ही पतली लेयर की कट जाती है ना। ट्राई करना कल तुम प्याज को लेकर, क्या बोलते हैं, काट के देखना जरा, बट उसको सब्जी में डालना, तुम वो खा मत जाना, ठीक है। वैसे भी आजकल टमाटर प्याज बहुत महंगे आ रहे हैं, टमाटर ज्यादा महंगे, ठीक है। yes, ma'am. प्याज के और टमाटर, हाँ प्याज और टमाटर के साथ तुम खेलते हुए दिखाई दे, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे को मारना कर, ठीक है। वैसे पतले पतले स्लाइस काट लेना, काट के मतलब काटने, काटना क्या देख लेना, मतलब थिन एंड फ्लैट, वो होगा आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या होती है, ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल, ब्लड में ब्लड वेसल यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उसकी जो लाइनिंग होती है, जैसे तुमने पाइप देखा होगा, है ना। अब जब तुम्हारे घर में पाइप है वो क्या करती है, पानी भरने का काम करती है ना, तुम्हारी बक्तों में और तुम्हारे जो भी तुम रखा हुआ है, ठीक है। लंग का जो एल्वोलाय होता है लंग्स में, ईसोफेगस में, ठीक है, जो तुम्हारी माउथ और चीक है वहां पे तुम आराम से सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम दे सकते हो, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कि ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर तुमने कहा कि मैम हमने तो पहली बार सुना है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी कल सुबह सुबह, ठीक है, समझ में आ रही है? रिपीट करना क्या, कि मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ? मैम उससे पहले जो आपने पॉइंट समझाया, मैंने कहा कि जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू ये सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, वो सेल्स जो आपको लार्ज दिखाई दे रहे हैं थिन एंड फ्लैट। तो ये करता क्या है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, किसकी हेल्प से, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है।
epithelium. Second is stratified squamous epithelium. एक सेकंड रुक जाओ यार. इसमें क्या होता है, सेल्स ना अरेंज होता है, एक लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर चौथा लेयर लेयर लेयर, ठीक है, ऐसे एक एक लेयर के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे पड़े होते हैं. इनको हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, यानी कि इरेजर कहाँ है, पहला वाला समझ आ गया सभी को, सेल लार्ज दिखता है, लार्ज दिखता है. दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ये आपका हो गया कौन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. तो ये सेल्स कैसे दिखते हैं बच्चे, लार्ज, और इनके जो पैटर्न, इनका जो लेयर होता है, मतलब लेयर के ऊपर लेयर होता है. इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का, किसको, आपकी जो बॉडी सरफेस होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है. समझ में आ गया सभी को? यो यो मैम. नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइन टिश्यूज, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करता है जो भी टिश्यू के नीचे जो भी लेयर्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का. यानी कि मिट्टी पड़ी एकदम से ऐसा नहीं होता क्या कि शरीर के अंदर मिट्टी चली जाएगी, नो, वो जो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है जो कि लेयर के ऊपर लेयर है ना. अब आप खुद सोचो कि आपने एक घर बनाया, हा? उस घर को आपने बस एक ही लेयर सीमेंट से लगाई, बस एक ही लेयर सीमेंट से लगाई, और आपने कुछ नहीं लगाया, ना सीमेंट, ना आपने सीमेंट से लगाई, आपने ब्रिक से नहीं लगाई, ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा बोल गया, ब्रिक लगा दिया आपने, सीमेंट नहीं लगाया, और बारिश आई, तूफान आया, तुम्हारा घर क्या हो जाएगा मैम, टूट जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा. तो तुम अगर तुम्हें कभी ध्यान से देखो, एक ब्रिक फिर दूसरा ब्रिक, उसके बीच में होता है सीमेंट, है ना, फिर उसके बाद जब पूरा वो सीमेंट लग जाता है, फिर उसके ऊपर पूरा फिर से पूरा पूरा सीमेंट लगा देते हैं, लगाते ही नहीं लगाते. वो आपके अंडरलाइन टिश्यू को हेल्प करने का काम करता है, ठीक है. ऑलराइट, नेक्स्ट है, एक सेकंड, नेक्स्ट चलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम. इसमें क्या होता है, सेल्स ना लंबे लंबे होते हैं, टॉल एंड सिलेंड्रिकल लाइक पिलर्स. कैसे होते हैं ये, टॉल एंड सिलेंड्रिकल वाला हमने बड़ा, पहला वाला क्या बड़ा था बताओ मुझे फटाफट से, सिंपल स्क्वैमस लार्ज थोड़ा बना बना देते मैम इसको, ठीक है, थिन एंड फ्लैट एंड लार्ज, ठीक है, ऐसे सेल्स है ना इसके. स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड कैसा है, लेयर के ऊपर लेयर, ठीक है. थर्ड कैसा है, थर्ड कौन सा बताया मैम ने अभी, कॉलमनर, कॉलमनर है ना, कॉलमनर, पिलर देखे होंगे कहाँ पे, देखे हमारे शिमला के बस स्टैंड में मैंने देखे बड़े बड़े पिलर्स, ठीक है, तो वैसा कॉलमनर पिलर टाइप याद रहेगा तुम्हें, सबको तो शिमला पता ही होगा, तुम गए ना होंगे सब, एक बार तो गए हो पक्का शिमला. चलो नेक्स्ट आ जाओ, सॉरी, अरे अरे ओके, नेक्स्ट है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. अच्छा ये नहीं बताया मैंने, सॉरी, इसका फंक्शन क्या होता है कॉलमनर का, ये ना जितने भी फूड आपने खाना खाया ना उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर देता है, कहाँ से, जो भी आपने खाना खाया कोई भी न्यूट्रिएंट, कुछ भी खा लो, दूध पी लो एनर्जी मिलेगी आपको, आप मतलब दाल खाओगे आपको प्रोटीन मिलेगा, अब जो भी कुछ भी खा लो, ठीक है, ऑरेंज खाओगे आपको विटामिन्स मिलेंगे, तो अलग अलग
चीजों से जितने भी न्यूट्रिएंट आपको मिल रहे हैं सब एब्जॉर्ब कर जाएगा। नेक्स्ट आपका सीलिएटेड कॉलमन है, रखिएगा। सीलिएटेड कैसा दिखेगा? हेयर लाइक। अरे यार, सीलिएटेड, सीलिएटेड कॉलमन, ठीक है? सीलिएटेड कॉलमन, कॉलमन कैसा दिखेगा आपको? हेयर लाइक, हेयर लाइक, हेयर लाइक, हेयर लाइक, हेयर लाइक, सही लिया, ठीक है? और लास्ट आ जाता है, बट इसका ये पढ़ लेते हैं हम। दिखेगा कहाँ पे? आपको दिखाई देगा किडनी में। कहाँ दिखेगा बच्चे? अरे यार, मैम किडनी में, मैम किडनी, किडनी, नहीं 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 नहीं, किडनी में, लंग्स में, नो, किडनी में आपका लंग्स, यस, लंग्स, ट्रैकिया, बक्कल चैम्बर्स होंगे, हाँ जी, सुनो सुनो ध्यान से। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसके अंदर सीलिया क्या करता है ना, उसको धक्का मार देता है, ठीक है? धक्का मारने के बाद वो क्या करता है, म्यूकस प्रेजेंट, आपको पता है ना म्यूकस क्या होता है, जो आपके नाक में होते हैं, आपकी नोजी, यस, मेरे को लगा कि तुम्हारी नोजी नहीं आती, तुमने रोक रखी है, स्टोर कर रखी है, मैम, हाँ, तो क्या बोलते हैं यार, आज तो कुछ नहीं दिख रहा, मुझे पेन भी नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ पे जाएगा? यस, तो क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम, आ जाओ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मुझे खुद बताओ क्यूबॉइडल एपिथेलियम से क्या समझ में आ रहा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या हो? क्यूबॉइडल यानी क्यूबॉइडियल, क्यूबॉइडल की तरह हो गए मैम, क्यूब की तरह शेप, बिल्कुल, एक सेकंड रुको, आपको नहीं समझना, क्यूब शेप, ठीक है? और ये मेम्ब्रेन के एकदम बेसमेंट में, बेसमेंट में दिखाई देगा, ठीक है? क्यूबॉइडल, तो ये कैसे दिखाई देगा आपका? क्यूब ऐसा सा होता है ना आपका क्यूब, यस नोट बनाओगे ना, मैंने इसलिए स्पेशल शीट बनाई थी ताकि आपको इजी लगे, याद रहे, दिमाग में बैठ जाए कि ये दिखता कैसे है, ठीक है? ओके, इसके बारे में जरा पढ़ ले, चलो जाओ मेरे दोस्त। ओके, लाइनिंग ऑफ, अब ये कहाँ दिखाई देगा? क्यूबॉइडल दिखाई देता है आपकी किडनी में, ठीक है? किडनी के कहाँ पे? टिब्यूल्स में। एक सेकेंड यार, ये पेन नहीं दिख रहा मुझे, किडनी के टिब्यूल्स में। और कहाँ दिखाई देगा आपके? सलाइवरी, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स तो बड़ा इजी है, मतलब आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा प्रेजेंट होता है ना, उसके अंदर आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिखाई देगा। आपको पता है, कभी मतलब ट्राई करके देखना, फिर ये जो छोटी वाली उंगली है उसको ट्राई करके देखना, ऐसे साफ साफ उंगली, गंदी उंगली में डाल देना, खाना खाने से पहले एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि आप ऑब्वियसली जब आप खाना खाते हो तो वो जो खाना खाते हो मिक्स होता है ना सलाइवा के साथ, है ना? कुछ हमें नया एक्सपीरियंस करना चाहिए तो तुम्हारी चीची उंगली, तुम्हारी छोटी सी उंगली को ट्राई करके देखना, तुम्हारे यहाँ का टिश्यू ना बड़ा ही सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है? जनरली तो सबसे ज्यादा ऊपर आपको कौन सा दिखाई देता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके अंदर अंदर आप जाते रहोगे, वहां पे ऑब्वियसली पूरे सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवरी एमाइलेज को सेक्रेट करते हैं, इसीलिए आपको सलाइवा दिखता है ना? कभी कभार आपका मुंह सूख जाता है, क्यों? सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, सूख जाता है, इसकी वजह से आपको पानी पीना पड़ता है। जैसे पानी पियोगे फटाफट से, होता है ना कभी कभार गर्मियों में चलते हो और मुंह सूख जाता है, फटाफट से पानी पीते हो, है ना? मैम देखो इतने देर से इकट्ठे बोली जा रहे, बोली जा रहे, बोली जा रहे, मैम को भी मुंह अभी सूख गया तो मुझे पानी की जरूरत है, ठीक है? चलो पानी बाद में पिलेंगे, आगे सुनो। हेल्प, और ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि जितने भी यूजफुल मटेरियल होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यानी कि आप सुसु करते हो ना, ये नहीं करते, सुसु नहीं करते तुम लोग? अच्छा, तुम्हें शर्म आ रही है? हम करते हैं, हम करते हैं। तो जब आप यूरिन पास आउट करते हो बच्चे, तब क्या होता है कि जो भी आपका अनवांटेड चीज होता है ना वो बाहर निकलता है। लेकिन यूरिन के पास आउट होने से पहले आपके किडनी के अंदर, ठीक है, वो जरूरतमंद चीजों को एब्जॉर्ब करने देता है। लेकिन कौन करता है? वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम करता है। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे होता है,
सबसे नीचे प्रेजेंट होने की वजह से जितना भी मटेरियल है वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर जाएगा। समझ में आ गया सभी को या नहीं आया बताओ? ये आपका बेसमेंट है, ठीक है। तो आप जा रहे हो अभी सुसु करने, जब आप सुसु करने गए तो क्या हो गया, ये आपको यूरिन आपका कहाँ इकट्ठा होता है? सबसे पहले किडनी में, ब्लड से फिल्टर होता है, ब्लड से फिल्टरेशन होती है। बहुत लंबा टॉपिक है ये, टेंथ में पढ़ोगे आप। ब्लड से फिल्टरेशन होके वो यूरिन बना देता है और जो भी चाहिए होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि जब आप सुसु करने जाते हो खून भी आता है, ऐसा तो नहीं होता ना? नो मैम। ठीक है, नो मैम। यूरिन जब आप पास आउट करते हो येलोइश कलर होता है, येलोइश डार्क है तो यानी कि बच्चों पानी पी लो, लाइट है तो ठीक है, और व्हाइटिश लाइट येलोइश कलर है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट पानी बहुत पिया करो, जरूरी होता है कम से कम 7 से 8 ग्लास एक दिन में, ठीक है। तो बच्चे सो ये जो बेसमेंट होता है, इस बेसमेंट में आपको क्या है, क्या दिखाई देगा? अरे बेसमेंट में सारी एब्जॉर्प्शन कर लेता है ये, एब्जॉर्प्शन यूजफुल मटेरियल, जो जो जरूरतमंद चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम ट्रिप में जाते हो, है ना, जब तुम सोचो कि पहाड़ों की चोटियों में घूमने का मन करता है तो तुम क्या करते हो, जरूरतमंद चीजें लेके जाते हो। तुम्हें पता है कि मैं पहाड़ में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, ठंड के कपड़े लेके, गर्मी के कपड़े, कॉटन के कपड़े तो नहीं पहन के जाओगे ना, फिर तो अगले दिन बीमार हो के पड़ेगा। तो वही बात है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट है बच्चा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्या मतलब होता है कि जो आपके ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कौन से ग्लैंड्स में? बड़े सारे ग्लैंड्स आपके बॉडी के अंदर, बड़े सारे। हर एक ग्लैंड्स का तो अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़े बहुत पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे आपके आपके माउथ में है सलाइवरी ग्लैंड, आपके स्टमक में है, आपके पैंक्रियाज में है, आपके इंटेस्टाइन में है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, फोल्ड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती हैं? फोल्ड्स, एक सेकंड, फोल्डिंग्स, एक सेकंड, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, जिसमें होंगे बच्चे ऐसे फोल्ड। सभी को कट रही है क्या? नो मैम, नो मैम, नो, ठीक है। जिसको दौड़ के आओ बेटा, दौड़ के भाग के आओ जल्दी। स्टमक और इंटेस्टाइन में ग्लैंडुलर एपिथेलियम दिखाई दे। क्लियर हो गया सभी को? यो यो मैम, यो यो मैम, तुम छोटे छोटे बच्चे पिछा रखे हैं अपने साथ, आवाज आ रही है मुझे उनके, छोटे बच्चों को भी तुम पढ़ा रहे हो साइंस, वाओ क्या बात है। नो मैम, पढ़ा सकते हो, मैंने तो मना ही नहीं किया। मैंने कब का साइंस उल्टा, तो वो उसको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ने में, है ना? मैम छोटा भाई है। अच्छा छोटा भाई है। हेलो छोटे भाई, कैसे हो आप? मैम बात नहीं करते, शर्मा रहा है तुम्हारा भाई। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है बच्चे, ग्लैंडुलर का जितने भी आपकी एपिथेलियल सरफेस पे सेक्रीशन होती है, फॉर एग्जांपल स्वेट की, है ना, या फिर सिंथेसिस होती है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम की वजह से होती है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? या मैम, या मैम, डाउट है? नो मैम, नो मैम, नो मैम, ठीक है। फटाफट से मुझे बताओ कि अगर किसी को भी इनमें से किसी को भी कोई डाउट है कि मैम ये टॉपिक नहीं मुझे समझ में आया, कि आज हमने पढ़ाई सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा रफ है, इसलिए मैम ने आपको बड़े इजी तरीके से इमेजेस के साथ, और ये अपनी कॉपी में बना लेना, मैम ने जैसा लिखा है वैसा पढ़ लोगे, बड़ा इजी होता है, ठीक है। अगर तुम सोचोगे कि मैम ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये है फैलाना है, तो तुम्हारे को टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। तुम्हारे को मैंने बहुत ईजी सा बना के दे दिया, ठीक है, डायग्राम्स के साथ, और तुम पेपर में भी डायग्राम बनाओगे ना, बड़े हो गया इसके आगे लिख देना, लाइक ये लेयर है, ये क्यूबॉइडल है। चलो मैम ने लिख दिया, तुम्हारा काम आसान कर दिया, ठीक है। चलो कोई डाउट है किसी को बच्चों? नो मैम, नो मैम, नो मैम। चलते हैं। Who provides growth to the plants? कौन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को ग्रोथ?
मैम ए आंसर है मैम ए बिल्कुल शाबाश मेरिस्टमैटिक सिस्टम वेरी नाइस सबसे पहले किस मेरिस्टमैटिक सिस्टम हां सबसे पहले किसने बोला था मैम प्रकृति जोरदार ताली प्रकृति के लिए गुड जॉब बच्चे अब जो बोलेगा उसका नाम यहां लिखा जाएगा ठीक है और तुम्हें पता है ये सारे नोट्स सबके पास जाते हैं ना यस मैम चलो नेक्स्ट एनिमल टिश्यूज आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू वेरी गुड नाइस तुम सबने मिक्स बोला लेकिन ये पहला पहला मुझे किसने बताया अरे वारितिका जी क्या बात सोनाली ठीक है हाँ कुछ को दो बच्चों के तो सुने मैंने गुड वेरी नाइस वेरी वेरी गुड टू गुड वेरी नाइस गॉड ब्लेस यू ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं pain in inner lining of the stomach and tissue from whom है md पहले बोला किसने सबसे पहले मैम नीतिका मैम पलाली नीतिका मैम ने सबसे पहले बोला था अब वो कौन अब मैं किस किस का नाम लिखूं नीतिका पलक सोनाली हां जी अनस बोलो चलो ठीक है नेक्स्ट एक सेकेंड तब का ही गलत है एक सेकेंड रुको इट इज बेबी सॉरी मैंने भी ध्यान नहीं दिया lining inner lining of stomach and intestinal yes columnar mam b nahi 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 d hi hai ha mam d hi hai mam d hi hai mam d hi hai let's check here theek hai koi baat d hi hai good d hai ye chalo next question bache ओके वन सेकंड सेकंड दैट पोजेसेस फाइन हेयर लाइक इलिया इसका डी है डी है डी 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 ए ए मैम ए सीलिएटेड मैम ए मैम ए मैम ए इंटेस्टाइन वाला इसमें करवाया था इंटेस्टाइन में क्या हो गया सिलिएटेड कॉलमनर सिलिएटेड कॉलमनर हां सिलिएटेड कॉलमनर मैं पूछ रही हूं सबसे पहले किसने बोला मैम नीतिका नीतिका मैम नीतिका पलक सबसे पहले मुझे एक की आवाज आई थी उसके बाद सब बोले थे वो कौन है बच्चा मैं कैसे बताऊं आपको साथ में बोले बेटा मैं बोलूं तो मैं कैसे बताऊंगी तुम्हें नीतिका नीतिका नाम सबसे पहले नीतिका कभी कभार पता है क्या तुम म्यूट करके बोल देते हो और फिर तुम बोलते हो कि रह गया मैं मेरा आंसर तो है ना और अपने क्लास के लड़के क्यों नहीं बोल रहे लड़के इतने शांत क्यों है चलो दैट्स ऑल बच्चों हैं जी मैं शेर है नहीं क्लास में शायद है नहीं क्लास में अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है ओके सो हाँ दैट्स ऑल किसी को कुछ पूछना है
अच्छा नो मैम नो मैम नो मैम बाय मैम गुड नाइट गुड नाइट गुड मैम देखो नहीं बोला एक मिनट रुक जाओ मैम आप बीमार नहीं नहीं यार लाइट चली गई है आजकल उनको पानी बहुत चल रहा है यहाँ पे ठीक है ऑल राइट किसी कोई डाउट नहीं है ना क्योंकि अगर आप ये वाला नहीं पढ़ जाओगे अगले बार जो बाकी के तीन हमारे टिश्यू बचे हैं वो रह जाएंगे ठीक है तो वो पढ़ के आना सारी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लेना और हाँ एक और बात बता दूं कि क्या बोलते हैं मे बी आप लोगों के नेक्स्ट वीक से क्लासेस मर्ज हो जाएंगे ठीक है यानी कि हमारे कंबाइन क्लासेस हो जाएंगे तो आपको क्लास बताना जरूरी था हाँ ठीक है आपके टीचर्स ऑब्वियसली सारे टीचर्स आपको बताएंगे ये बात तो मेरे को भी बताना ही है इसीलिए मैंने आपको बताया ठीक है तो नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा ओके यो यो मैम ठीक है बच्चों दैट्स ऑल